ये हमारा ऑर्डर हमारे सामने आ गया है। ये आपकी मटन कबाब है, ये चिकन है, ये बीफ है, ये आपकी मटन चाप। ठीक हो गया। ये पाशा बोडी, ये मलाई बोडी। ठीक हो गया भैया। क्या नाम है आपका? मुबीन। मुबीन मुझसे मिलो, साकिब मुबीन। वो उसमें ग्रिल में बंद कर देते हैं तो उसकी वजह से जो है ना ये थोड़ी सी हर जगह से बराबर पकी होगी। गोल का पास जल्दी बढ़ गया सारा, उठाएंगे कैसे? ओए होए, ये आ गई मीठी चटनी, ये फिर आ गया पतीने का रायता, चलो बढ़िया बेहतरीन माशाल्लाह। We are stuck in Andhroon. This is Andhroon of Sialkot. Assalamu alaikum. Welcome to another superly amazing and delicious video once again. Welcome to the fourth episode of Sialkot. पिछले तीन अगर एपिसोड आपने नहीं देखे तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। इस वक्त मौजूद हूँ बाजार खटीका के अंदर, अंदरून सियालकोट के अंदर एक बाजार है जहाँ पे पीछे खुस्से वाली बहुत सारी दुकानें हैं, जूतियों की दुकानें हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा, और इन दुकानों के बीच में एक दुकान मौजूद है डिसेंट फलूदा एंड कुल्फी हाउस। इनके पास फलूदा होता है, ऑरेंज कलर का फलूदा होता है, और कुल्फी होती है स्पेशल किस्म की, वो इनसे ट्राई करेंगे। उसके बाद हम जाएंगे हाजी के दही भल्ले खाने। चले यार, हाजी के दही भल्ले सियालकोट के सबसे मशहूर और अच्छे दही भल्ले। हाजी के दही भल्ले, हाजी के दही, हाजी के दही भल्ले खाएंगे उनसे और गोलगप्पे ट्राई करेंगे। उसके बाद हम जाएंगे असहाबी बारबेक्यू के ऊपर, वहाँ पे उनके पास मटन चाप होती है और उनके पास मटन चाप होती है और डिफरेंट बारबेक्यू होता है, उनसे वो ट्राई करेंगे। तो अभी स्टार्ट करते हैं डिसेंट फलूदा हाउस से, इनके पास चलते हैं अंदर। ये सड़क आ रही है अड्डा शहबाज खान वाली साइड से, जो आप इसके अंदर आएंगे खटीका बाजार के अंदर, ये खुशे वाली बहुत सारी यहाँ पे दुकानें हैं। इन दुकानों के दरमियान में आपकी लेफ्ट साइड पर आएगा ये डिसेंट फलूदा कुल्फी हाउस। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है जी? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है। क्या नाम है आपका? गुल अहमद भुट्टा। गुल अहमद भुट्टा, भुट्टा। अच्छा गुल अहमद साहब, ये कितना पुराना सेटअप आपका? ये हमारा दादा के वक्त का है, आया भी सब सती से आला में आज के जमाने में। वो क्यों लिखाया है कि पहले पाकिस्तान नहीं बना हुआ था। हाँ ठीक है ना। हाँ 74 साल हो गए पाकिस्तान बने हुए, तो वो ही लिखाना चाहिए जो अंडर पाकिस्तान हो, बाहर पाकिस्तान ना हो। सही है, आपने इतना पुराना क्लेम किया हुआ। तो क्या क्या आपके पास होता है? हमारे पास अभी तो कुल्फी फ्रूट है। अच्छा, ये सेवियां रखी हैं आपने? ये लच्छे होते हैं। लच्छे बोलते हैं इसको। ये किस चीज़ के बनते हैं? ये नशास्ते के बनते हैं। अला रोड तो नहीं होता? अला रोड मुख्तलिफ किस्म के है। अच्छा, एक अला रोड बनता है कनक से निकलता है। अच्छा, एक अला रोड बनता है दूसरी चावल से। चावल से हाँ। ये जो ये कनक वाला है, ये कनक वाला अडानक कनक किसी वक्त चलती है। अच्छा अच्छा, अभी लोगों को पता नहीं अडानक क्या चीज है। हाँ नहीं, मुझे भी नहीं पता, वही ना मैं यही बता रहा हूँ। अच्छा अच्छा, अडानक से बनता है, अडानक कनक, कनक से बनता है इसको नशास्ता निकलता है। अच्छा ठीक है, और ये शीरा है? ये चास है। हाँ जी, चीनी का बनता है? चीनी का बनता है। अच्छा अच्छा, इसमें खोया डाला होता? नहीं, खोया डालते हैं इसको ऊपर करने के लिए, टेस्ट के लिए। अच्छा वाह, बहुत आला है माशाल्लाह, ठीक हो गया। और ये जो है आपका, अच्छा इसका जो ये रबड़ी है, ये रबड़ी है, रबड़ी का आपका रंग ऑरेंज है इसमें आपने कलर, ये यहाँ पे यही चलता है। अच्छा यहाँ पे यही चलता है, पिछले मतलब 100 साल से यही चल, इसी कलर में चल रहा है। कोई कलर डालते हैं? फूड कलर है ये, इलायची और दूध। अच्छा कुछ नहीं, पका पका के उसको रबड़ी बन गई है। ठीक है ठीक है, तो हमारे लिए आप फिर बना दें। एक प्याला कितने का इसका फलूदे का? एक प्याला जो मुकम्मल कंप्लीट है वो 240 का है। अच्छा ठीक है, सिंगल जो है वो 120 का है, कुल्फी 120 की। मुकम्मल में कुल्फी भी हो जाएगी और फलूदा भी हो जाएगा? फलूदा भी हो, एक मुकम्मल फलूदा कर दें। ठीक है साहब, में कुल्फी भी अलग से दे दीजिएगा, वो हम ट्राई कर लेंगे। कोई बात, ठीक है। ये जी हमारे पास आ गए लच्छे, ठीक है जी जी। हाँ ठीक है, ये आ गया जी हमारे पास कुल्फी, ठीक है। मैं आइस भी डालता हूँ जी, ये आ गई इसमें बर्फ, ये आइस डाल दूँ, ठीक है। और ये मीठा, ये शीरा आ गया। आप इसे क्या बोलते हैं? चास बोलते, चास बोलते हैं, ठीक है। और ये आ गए जी रबड़ी, रबड़ी आ गई बेहतरीन माशाल्लाह। ये फिर ऊपर से चास आ गई, ये तैयार हो गया। ये देखिए ना, इसकी वजह से ये और खूबसूरती हो, हाँ खूबसूरत लग रहा है, साइन हो गया हमारा। हाँ ठीक है, सही हो गया, ठीक है। ये जी कुल्फी काट रहे हैं, ये बड़ा स्टाइल है भाई, वाह। और लो लो लो, हो गया सौदा, ये बस ऐसी होती है? ये कुल्फी है। अच्छा, और इसके साथ सिर्फ ये लच्छे लच्छे आते हैं, शीरा भी नहीं आता। और कोई बोले
तो इसके ऊपर थोड़ा सा शीरा डाल देंगे बस, ठीक हो गया, कंप्लीट हो गया। फालूदा हम टेस्ट कर लेंगे, पहले कुल्फी प्लेन टेस्ट कर लेते हैं, खाली कुल्फी कैसी है वो ये इस अलग से इन्होंने हमें कुल्फी दी हुई, ये चेक कर लेते हैं। खोए वाली जो कुल्फी होती है ना वो इन्होंने ये हम छोटे छोटे होते थे तो हम गली में क्रिकेट खेल रहे होते थे, वहाँ से अंकल गुजरते थे कुल्फी वाले, वो कहते थे खोए वाली कुल्फी, हम उसे मजाक में कहते थे लोहे वाली कुल्फी क्योंकि वो लोहे के कैन में से निकल दिया। तो वो जो कुल्फी होती थी ना यार, वो जब तक उसको खोए में डिप ना करो उससे पहले पहले खोए में वो डिप करके ऐसे करके देते थे, डिप करने से पहले जो फ्लेवर था ना कुल्फी का, ये सेम वही फ्लेवर है यार, मतलब बचपन याद आ गया मुझे यार, नॉस्टैल्जिक फ्लेवर है यार, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा। ये जो है ना इनका फलूदा है, ये देखो ये ऊपर कुल्फी है ठीक है, और ये साथ में उन्होंने पर ये डाले में लच्छे, और नीचे से जो है कुछ भी नहीं निकलेगा क्योंकि नीचे कुछ भी नहीं है। ये डिफरेंट चीज़ है ना वो ये कि ये जो फलूदे की रबड़ी है ना ये है ऑरेंज कलर में, क्योंकि इसमें इन्होंने फूड कलर डाला हुआ, शुरू से इनका स्टाइल ऐसा चल रहा है जहाँ पे चलता ही है। ये कुल्फी आ गई यहाँ से और ये लच्छे, एक पूरी बाइट लेते हैं इसकी, ठंडा ठंडा मीठा मीठा, बिस्मिल्लाह यार बहुत कमाल। खाली फलूदा जो है ना, जो खाली रबड़ी है, रबड़ी का टेस्ट इतना कमाल का आ रहा है, जो कुल्फी है कुल्फी बड़ी कमाल की है यार, वाकई बहुत कमाल का फलूदा है यार। ये दो फलूदे, फलूदे दो तरह के होते हैं, एक कुल्फी फलूदा होता है और एक सिंपल रबड़ी फलूदा होता है। रबड़ी फलूदा के अंदर कुल्फी नहीं जाती, सिर्फ रबड़ी डलती है और शीरा और बर्फ़ और लच्छा डलते हैं, ये कुल्फी फलूदा है। ये जो है ना मेरे हिसाब से कुल्फी फलूदा जो है ना वो रबड़ी फलूदे से एक स्टेप ऊपर होता है, क्योंकि इसमें रबड़ी भी आ जाती है और इसमें कुल्फी भी आ जाती है। तो मैं साहब आपको एक बात बताऊँ, मैं जहाँ भी जाता हूँ ना मैं टेस्ट करता हूँ चीज़ को, बाकी मैं बाकी साथ ही खाते हैं, सुने मैं अब मेरी बात सुन लें, मेरी बात सुन लें, मैं जहाँ जाता हूँ ना मैं टेस्ट करता हूँ, अच्छा खाता हूँ, बाकी जो है ना मेरे जो साथ टीम वाले होते हैं वो खा लेते हैं, मेरा दिल नहीं कर रहा छोड़ने का। ये ऐसा कमाल फलूदा आपकी मैंने, हाँ मैंने दूसरे शहरों से भी खाया, नहीं मोहब्बत नहीं है ये आपके हाथ में, अल्लाह ने जायका दिया है, ये आपकी मोहब्बत है, ये आपकी मोहब्बत है, ये हमारी मोहब्बत नहीं है। बहुत मज़े का लगा मुझे, मतलब दुनिया पाकिस्तान में जितने मैंने जितनी भी जगहों से खाया है डिफरेंट जगहों से, उनमें से मेरे हिसाब से पहले नंबर पर यह फलूदा है। बहुत शुक्रिया जी, यार बहुत बहुत कमाल का फलूदा, बहुत कमाल का फलूदा। कुल्फी की वजह से टेस्ट जो था ना इतना इन्हांस हो रहा था ना, खाली फलूदा रबड़ी फलूदा अपना उसका अपना फ्लेवर था, लेकिन जब आपकी कुल्फी ख़त्म हो जाती ना तो अलग से कुल्फी लेके उसके अंदर वो भी डाल दें, वो डाल के खाएं, बहुत मज़ा आएगा आपको। चलो अभी हम जा रहे हैं हाजी के पास, अभी हम जा रहे हैं हाजी के पास, हाजी दही भले के पास, उनसे जाकर हम दही भले खाएंगे और उनसे गोल गोपे ट्राई करेंगे, तो अभी वहाँ चलते हैं। वी आर स्टक इन अंदरून, दिस इज अंदरून ऑफ सियालकोट। पूरे सियालकोट के अंदर सबसे ज़्यादा फेमस और सबसे अच्छे दही भल्ले जो कंसिडर किए जाते हैं वो हाजी के दही भल्ले हैं। इनके पास गोलगप्पे भी होते हैं, गोलगप्पे भी इनके बहुत कमाल के हैं। अभी इनके पास चलते हैं और इनसे जाके दही भल्ले और गोलगप्पे ट्राई करते हैं। यार अभी तक इन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, नहीं किया अभी तक, वीडियो देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब कर लिया होगा, करो यार, कर लो, कर लो सब्सक्राइब, करो यार। अच्छा कर रहे हो, वो कर लेंगे, और जिन्होंने किया होगा तो की कसूर है, उनका शुक्रिया, उनका शुक्रिया, बाकी जिन्होंने नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लिया। ये जो सड़क आ रही है ये आ रही है अड्डा पथुरिया वाली साइड से, और ये आगे जा रही है गंदम मंडी वाली साइड पे, और मेरे राइट पे जो है ये है ऊंची मस्जिद, और ऊंची मस्जिद के बिल्कुल सामने ये है हाजी दही भल्ले। इनके पास अभी हम जाके इनसे दही भल्ले और इनके गोलगप्पे ट्राई करेंगे इंशाल्लाह, अभी इनके पास अंदर इनके पास चलते हैं हम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है भैया? जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम आपका? मेरा नाम शहबाज़ साहब। शहबाज़ भाई ये दही भल्ले बना रहे हैं? जी हाँ। वो पीछे चने, अच्छा ये जो आपने पीछे रखे हुए हैं इसमें चने भी डाले हैं आपने? इसमें चने, आलू और फुल्कियाँ, और फुल्कियाँ कुछ इसे पकौड़ियाँ कहते हैं। ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो ये कितना पुराना सेटअप है आपका? हमने 1994 में शुरू किया था, 94 में। अच्छा उनका नाम क्या? मोहम्मद अमजद। ये हाजी उन्हीं के नाम पे? उन्हीं का नाम। ठीक है, ठीक है। कितने की प्लेट है दही भल्ले की? 130 की। और गोलगप्पे की? वो भी 130। और पापड़ी चाट भी? सेम ही है, सेम प्राइस पे, सेम चल रहा है। पानी वाले वो 60 की है। अच्छा ये जी दही आ गया, ये सफ़ेद दही आ गया, और ये मीठी चटनी आ गई, ये रायता आ गया, प्याज चम्मच रेडी हो गया। आपका नाम क्या? शुएब। शुएब भाई
ये जी भला और ये आगे पकौड़ियाँ, ये आ गया पुदीने की चटनी, मीठी चटनी, दही आ गया। रेडी हो गया? अच्छा मिक्स कर रहे हैं। ओ वाह, फिर दही, फिर मीठी चटनी, फिर पुदीने की चटनी और ये सलाद आ गया। ये आ गया मसाला। अच्छा दो तरह के मसाले हैं, एक चाट मसाला और एक मिर्ची। अच्छा ये रेडी हो गया। कितने में शुरू करते हैं, कितने में बंद करते हैं? सुबह 12:30 से। सुबह 12:30 सुबह लगा दें भले। अच्छा फायर खड़े रहते हैं जनाब भारी का। अच्छा माशाल्लाह, ये गोलगप्पा के अंदर ये सेम फीलिंग जा रही है? चाट सेम ही है, पापड़ी चाट भी सेम है, दही भल्ले भी सेम है। ठीक है, दही भल्लों में भल्ला डल जाता है और दही भल्ले बन जाते हैं। गोलगप्पों में भी यही चाट, पापड़ी चाट भी यही है। गोल के पास लिपट गया सारा, उठाएंगे कैसे? ओए होए, ये आ गई मीठी चटनी, ये फिर आ गया पुदीने का रायता और आ गया ऊपर प्याज और ये सैलेड। ये चम्मच से खाएंगे हम? ओके तो जी, ये हमारे सामने गोलगप्पे आ गए हैं। असल में ना इसके हमने बाहर खड़े होकर खाना था, बाहर बैठ के खाना था, लेकिन बाहर रश बहुत ज़्यादा है और इनके पास गोलगप्पे का स्टॉक बहुत कम है, तो इन्होंने कहा रिक्वेस्ट की कि आप अंदर बैठ के खा लें, तो हम अंदर आ गए। वैसे सिटिंग एरिया, सिटिंग एरिया नहीं है ये। ये देखो ये गोलगप्पे हैं, इन्होंने हमें दिए, सोगी हो जाएंगे बहुत ज़्यादा, क्योंकि सिर्फ इसके अंदर फिलिंग बहुत ज़्यादा है दही की, मीठी चटनी की और रायते की। उसकी वजह से जो है इसको फटाफट से खाना पड़ेगा, हाथ से खाए नहीं जा सकते, हाथ से खाएंगे तो ये हाथ में ही टूट जाएगा, नरम हो चुका है बहुत ज़्यादा, इसको ऐसे ही खाना पड़ेगा। बिस्मिल्लाह। कमाल, ये चटनी खट्टे का खाने वाला नहीं है, क्योंकि इसके अंदर अपना इतना चीज़ें इसके अंदर डली हुई हैं, इसमें इतना माशाल्लाह फ्लेवर आ रहा है इसका, खट्टे के साथ ना खट्टा डेड हो रहा है इसके साथ। खट्टे के साथ जो खाने वाला गोलगप्पा ना ये है, इसमें रायता, चटनी और दही नहीं डाला उन्होंने, सिंपल गोलगप्पा फिलिंग के साथ जो इनकी पकौड़ियों की फिलिंग है वो उसके अंदर डाल के और ऊपर से खट्टा, वो उसको दोबारा ट्राई करते हैं। बड़ा मज़े देगा पैन। ये गोलगप्पा जो है ना ये है सादा सिंपल गोलगप्पा, इसको डालना है खट्टे के साथ, खट्टे के साथ सिंपल तरीका ये है कि इसको अंदर नहीं डिप करना, इसको ऐसे गोल ऐसे डाले खट्टा, ये इसको आपने भरना है, ये ऐसे भर गया। टेक्निक चेक करो भाई, नीचे नहीं गिरा। यार ये ज़्यादा मज़े का, ये जो चीज़ है ना ये असल गोलगप्पा भाई। अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं, मेरी रिकमेंडेशन, मेरा सजेशन आपको ये है, अगर आपने गोलगप्पे खाने हैं तो आप प्लेन गोलगप्पे लें, उसको खट्टे के साथ ट्राई करें, और खट्टा जो है ना इसमें पुदीने का फ्लेवर ज़्यादा है, पुदीने का फ्लेवर ज़्यादा है, टाटली कम है और मिर्चें गले में लगनी नहीं इसकी। ठंडा थोड़ा ज़्यादा होता तो ज़्यादा मज़ा आता, लेकिन मौसम चूँकि नहीं है अभी ठंडे वाला, इसलिए अभी इस तरह नॉर्मल चल रहा है। ये वही चीज़ें आ गई, रायता, दही और ये मीठी चटनी, ये आ गया मसाला और ये आ गई पापड़ी। अच्छा इसके ऊपर आ गया सैलड, मीठी चटनी, गुड। लो जी अभी हम वापस जा रहे थे, हमने कहा था कि दही भल्लों का जायका हमने टेस्ट कर ली, क्योंकि गोलगप्पे के अंदर भी वही फीलिंग है जो दही भल्लों के अंदर है, तो उन्होंने कहा पापड़ी चाट भी टेस्ट करके जाएं, तो पापड़ी चाट भी इनसे टेस्ट कर लेते हैं हम। ये आ गई पापड़ी चाट, इनके ऊपर सारी चीज़ें वही हैं, सिर्फ ऊपर इन्होंने पापड़ी डाली है इसके, तो सारा जो हो सकता है फ्लेवर का जो डिफरेंस है वो पापड़ी के अंदर हो। बिस्मिल्लाह। एक तो एक क्रंची है वो पापड़ी है, और दूसरी बात ये है इसमें मीठी चटनी उन्होंने दो दफ़ा डाली है, तो दो दफ़ा मीठी चटनी डालने की वजह से थोड़ा सा मीठा मीठा फ्लेवर है इसका, मीठा ज़्यादा है, खुबानी की चटनी है ये। कमाल, अच्छी है। अभी हम कहाँ जा रहे हैं? अभी हम जाएंगे बारबेक्यू करने, उसका भी हम सीक्रेट रखते हैं, इंशाल्लाह बाद में ये भी होता है। हाँ जी, यहाँ बड़े कमाल के गोलगप्पे, बहुत कमाल के दही भले। शिमाल भाई यहाँ बड़ा मज़ा आया, बहुत मज़े के दही भले आपके, मिर्चें लगी हुई हैं आपके, मिलाता यहाँ गले मिले, यार गले मिले, कोई मसला नहीं, बहुत मज़े के दही भले आपके। आपके गोलगप्पे जो सादे वाले ना, खट्टे वाले गोलगप्पे, वो मुझे बड़े मज़े के लगे। और खाने हैं तो आ जाए। नहीं बस करें, हूँ अभी खाना भी खाना घर जाके। ओके जी, अभी हम चल रहे हैं अगले पॉइंट पे, बारबेक्यू खाने वहाँ चलते हैं। अच्छा जी, अभी हम आ गए हैं आलम चौक, यहाँ मेरी बैक पर नज़र आ रहा है ये जो सिग्नल, ये सिंबल बना हुआ है, ये आलम चौक का, इसका नाम अब चेंज हो गया, क्या नाम है अब पता नहीं, क्या कोई मुश्किल सा नाम रखा हुआ आलम ही रहने देना। फिर तो यहाँ पे जो है ये मौजूद है
گجراوالا آئس کریم، اس کے ساتھ یہ موجود ہے اصحابی باربیکیو کارنر، اصحابی ٹکا کارنر۔ ان کے پاس ان کا باربیکیو بہت اسپیشل ہے گجراوالا کے اندر۔ جو کھانے والے ہیں کچھ مشہور پوائنٹس اور بھی ہیں، لیکن جو کھانے والے حضرات ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کا ٹیسٹ زیادہ بہتر ہے گجراوالا۔ میں نے گجراوالا کہا ہے، میں نے گجراوالا کہا، آئی ایم سوری یار، سیالکوٹ کی بات ہو رہی ہے۔ سیالکوٹ کے اندر جو ہے جو اور بھی پوائنٹس موجود ہیں، لیکن کھانے والے یہ کہتے ہیں کہ اس کا ٹیسٹ جو ہے باقیوں سے بہتر ہے۔ دس از ون آف دا ہڈن جیم ان سیالکوٹ۔ ابھی ہم ان کے پاس جائیں گے، ان سے باربیکیو ٹرائی کریں گے۔ یہ جی عالم چوک ہے، عالم چوک کے اوپر یہ ایچ ایف سی موجود ہے۔ ایچ ایف سی کے ساتھ جب آپ آئیں گے تو یہ لیفٹ پہ کارنر کے اوپر یہ دکان ہے اصحابی، یہ گجراوالا آئس کریم کے ساتھ ہی ہے، اور یہ پوائنٹ ہے۔ ان کے پاس ابھی چلتے ہیں، ابھی ان کا کام اسٹارٹ ہو رہا ہے، اصل کام جو ہے وہ ریسٹ لگتا ہے رات کو۔ ابھی ہم جلدی آ گئے، تھوڑا ان کو چیک کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم بھائی جان، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے، کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام طاہر شاہ۔ طاہر شاہ نام ہے آپ کا؟ یہ آپ شاپ آپ کی اپنی ہے؟ نہیں سر، میں یہاں پہ جاب کرتا ہوں۔ آپ یہاں پہ جاب کرتے ہیں، تو جو آنر ہیں وہ کب تک آتے ہیں؟ وہ ابھی یہاں تو کھڑے تھے۔ اچھا اچھا، وہ کھڑے ہوئے تھے، آپ کوکنگ، آپ یہاں پہ شیف ہیں، ہیڈ شیف آپ یہی ہیں، آپ ہی ہیں یہاں پہ؟ جی بالکل۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو طاہر بھائی یہ بتائیں، یہ دکان کتنی پرانی ہے؟ یہ سیٹ اپ 18.5 سے 19 سال کرتا ہوں آپ کو؟ مجھے یہاں پہ ان کے یہاں کام کرتے ہوئے تقریباً 14 سال ہو۔ تو آپ کا اسپیشل کیا ہوتا ہے باربیکیو کا؟ باربیکیو یہ صرف ہمارا، جو بھی کھا لینا ان شاء اللہ آپ کو مزہ آئے گا۔ ٹھیک ہے، کباب کا اپنا ٹیسٹ ہے، مٹن کا اپنا، چکن کا اپنا۔ ٹھیک ہے، ریسیپی تھوڑی سی ڈفرینٹ ہوتی ہے ہماری لوگوں سے۔ اچھا، جس کی وجہ سے نا تھوڑے سے فیمس ہم لوگ، اور کچھ نہیں۔ اچھا، جمعہ ہفتہ اور اتوار جی ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ کوشش کیا کریں کہ اپنا آڈر فون پہ پہلے کر کے۔ اچھا، مطلب اتنا رش ہوتا ہے یہاں پہ؟ جی بالکل، تقریباً 1.25 سے 1.5 گھنٹہ ٹائم لگ جاتا ہے آپ کی باری آنے میں۔ 1 سے 1.25 گھنٹہ ٹائم لگ جاتا ہے؟ واہ ماشاء اللہ۔ اچھا، گرل چاپ جو ہے یہ ایک چیز 1000 روپے کی ہے؟ 4 پیس کی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، 1000 روپے کی ہے۔ اور یہ پاشا ملائی بوٹی ہے، چیز ملائی بوٹی ہے، اور ملائی بوٹی ہے، مٹن کباب 130 کا۔ ٹھیک ہو گیا اس ٹائم، یعنی تقریباً مغرب سے تھوڑی دیر پہلے کام شروع کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور رات کب تک چلتا ہے؟ 1 بجے تک، پورا 1 بجے بند کر دیتے ہیں سامان، 12 بجے پونے 1 بجے تک آٹو لینا بند کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہوتا ہے ہمارے پاس، ٹھیک ہے، نہیں ہوتا شٹر ڈاؤن۔ اسحاق بھائی ہم یہاں پہ کیا کیا ٹرائی کریں گے ان سے؟ ہم یہاں پہ ملائی بوٹی ٹرائی کریں گے، ملائی بوٹی، پاشا بوٹی، اور اس کے بعد مٹن چاپ کریں گے، مٹن چاپے، ہاں جی، اور اس کے بعد ہم کریں گے چکن بیف اور مٹن کے کباب۔ ٹھیک ہو گیا، تینوں کباب آ جائیں گے، تینوں کباب۔ ٹھیک ہو گیا، یہ چکن کباب لگا ہوا، چکن کباب، ملائی بوٹی، یہ ملائی بوٹی ہے، یہ سینے والا پیس، سینے کا پیس ہے۔ سینے کا پیس کتنے کا تھا؟ یہ 260 روپے کا، 260 کا ہے۔ اوے واہ، یہ میں نے اس طرح کے چکن کباب آج تک نہیں دیکھے، اس طرح کے ٹیکسچر والے۔ وائٹ مرچ والے ہیں، سفید مرچ والے ہیں، او ماشاء اللہ، یہ وائٹ پیپر والے کباب ہے بھائی، اس میں کالی مرچ پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے، لیکن وائٹ پیپر ضرور ہے بھائی۔ وائٹ پیپر ایک ایسی چیز ہے، آپ کچھ بھی کھا لیں، کچھ بھی، کسی بھی چیز کے اندر اس کو ڈال لیں، ایک تو وہ ہوتی ہے مہنگی، دکری مرچ اسے بولتے ہیں، وائٹ پیپر بھی بولتے ہیں، سفید مرچ بھی بولتے ہیں، تھوڑی سی مہنگی ہوتی ہے، کالی مرچ کی طرح کا اس کا شکل اس طرح کی ہوتی ہے، لیکن اس کا ٹیسٹ بہت کمال ہوتا ہے، تھوڑی سی تیکھی زیادہ ہوتی ہے، مرچیں زیادہ، اسپائسی زیادہ ہوتی ہے، لیکن ٹیسٹ اس کی وجہ سے نا بہت کمال کا ٹیسٹ آتا ہے اس کی وجہ سے۔ اچھا، چامپے یہ اس طرح سے گرل کرتے ہیں؟ جی جی، سیخ میں نہیں لگاتے؟ یہ گرل ہے نا، ہاں گرل میں، گرل میں صحیح رہتی ہے۔ اچھا، سیخ میں کیوں نہیں لگاتے؟ سیخ میں وہ سیخ کا بیلنس نہیں رہتا۔ اچھا، اوپر نیچے کچی پکی رہ جاتی ہے، صحیح پکوائی نہیں ہوتی اس کی، ہاں یہ گرل میں صحیح رہتی ہے۔ اچھا، آپ یہ اس کو پکا تو رہے ہیں؟ ہاں جی۔ آپ سے گزارش ہے، چھوٹی سی، تھوڑی سی محبت ڈال دینا اس کے اندر، انشاءاللہ محبت، نہیں آپ نے تھوڑی سی محبت ڈالنی ہے اس کے اندر، انشاءاللہ مزہ آئے گا آپ کو۔ آپ محبت ڈالیں گے کہ نہیں ڈالیں گے؟ میں محبت ڈالوں گا، بس آپ نے محبت ڈالنی ہے اس کے اندر۔ آپ کا نام؟ میرا نام شاہ ہے۔ شاہ صاحب، بس مزہ آنا چاہیے آج، انشاءاللہ ڈن ہو گیا، ڈن ہو گیا۔ کوئی بات، اچھا یہ ہے جی چامپے ہمارے پاس، یہ ہے ملائی بوٹی، ملائی بوٹی، اور یہ پاشا بوٹی ہے۔ ہاں جی پاشا بوٹی۔ ٹھیک ہو گیا، اور کباب ابھی لگیں گے؟ 5 منٹ بعد لگیں گے، وہ اس کا ٹائم کم ہے نا، ٹھیک ہے، کباب کا کوکنگ ٹائم کم ہوگا نا، اس کے بعد میں لگ جائیں گے۔ ٹھیک ہو گیا جی، یہ ہمارا آرڈر ہمارے سامنے آ گیا ہے۔ یہ آپ کی مٹن کباب ہے، یہ چکن ہے، یہ بیف ہے، یہ آپ کی مٹن چاپ، ٹھیک ہو گیا، یہ پاشا بوٹی، یہ ملائی بوٹی۔ ٹھیک ہو گیا بھیا، کیا نام ہے آپ کا؟ مبین۔ مبین، مجھ سے ملو، ثاقب مبین۔ وہ اس میں گرل میں بند کر دیتے ہیں، تو اس کی وجہ سے جو ہے نا یہ تھوڑی سی ہر جگہ سے برابر پکی ہوگی۔ بسم اللہ، جوسی بھی ہے، سافٹ بھی ہے بھائی، ایسے مسالہ بڑا کمال لگا ہوا ہے، اندر تک مسالہ لگا ہوا ہے، اور ایسے اندر صرف نمک کا فلیور آ رہا ہے، لیکن بہت کمال چیز ہے یار۔ یہ چاپ کی بوٹی ایسی ہوتی نہیں ہے، تھوڑی سی اکٹھی ہوئی ہوتی ہے، اس کو انہوں نے پورا فلیٹ کیا ہے، اس کی وجہ سے جو ہے نا یہ ایک تو نرم اندر سے ہوگی بھی ہے۔ یہ رائتا ہی کو ٹرائی کرتا ہے، رائتا بھی ان کا یار بڑا کنسسٹنٹ ہے، دہی اچھا، بس خالص دہی لگ رہا ہے۔
ये देखो ये अंदर से ये चीज़ सही गली भी बोटी है यार, ये मज़ा आना, ये ऐसे मज़ा आएगा थोड़ा सा ये। और लो जी ये इनकी है मलाई बोटी, ये मलाई बोटी है, काली मिर्च वो फ्लेवर नहीं दे सकती जो सफ़ेद मिर्च देती है, बहुत कमाल का टेस्ट है यार। इसका मलाई बोटी और भी जगह पे मिल जाती है लेकिन ये टेस्ट डिफरेंट इसलिए है क्योंकि इसमें सफ़ेद मिर्च इन्होंने इस्तेमाल की हुई है, बाकी वो जैसे मसाले इन्होंने लगाए हुए हैं इन्होंने मैरिनेशन की है वो प्रॉपर वैसे ही जैसे अक्सर जगह पर होती है, थोड़ी सी कंसिस्टेंट है। बाकी जगह से जो मलाई बोटी हम ट्राई जितनी जगह से मैंने ट्राई की है वो ये होता है कि बहुत ज़्यादा नरम होती है, कंसिस्टेंट कम होती है, फौरन मुँह में डाली घुल जाती है, जो थोड़ी आपको चबाने का टाइम देती है और जो सफ़ेद मिर्च का फ्लेवर इसके अंदर आ रहा है वो बहुत कमाल है यार। पाशा बोटी में क्या है, शिष्टा बोटी की एक वेरिएशन है, ये शिमला मिर्च और ये प्याज, प्याज का और शिमला मिर्च का फ्लेवर है ना जब वो ग्रिल होता है ना और साथ साथ पक पक के बोटी के अंदर जाता रहता है, अपना एक फ्लेवर है जो कि बहुत कमाल है। थोड़ा सा इसके ऊपर पेस्ट लगा हुआ है हल्का हल्का प्याज का और शिमला मिर्च का, ये बहुत अच्छी चीज़ है, मज़े गया। थोड़ा सा स्पाइसी है, थोड़ा सा किकिंग पंचिंग फ्लेवर है इसका, लेकिन बहुत कमाल मसाले लगाए हुए यार उन्होंने, मसालों का अच्छा खेल गया भाई ये। दिस इज़ द बीफ कबाब, बिस्मिल्लाह। मेरे हिसाब से कबाब ऐसा होना चाहिए कि अगर आप यूँ उठाएं इसको तो ये गिर जाए, इसको यूँ गिर जाना चाहिए ऐसे, अपने वजन पे कबाब को गिर जाना चाहिए, इतना नरम होना चाहिए बीफ कबाब, फिर ही वो जूसी भी रहता है और फिर ही वो मज़े का भी लगता है। लेकिन जूसी इसके अंदर भी मौजूद है, ये देखो जूसी इसके अंदर भी मौजूद है, ये देखो ये भी जूसी है, लेकिन जिस तरह से जूसी इसको होना चाहिए जितना इसको सॉफ्ट होना चाहिए उतना सॉफ्ट नहीं है, मेरे हिसाब से मज़ीद बेहतर हो सकता है कि जो मसाले इन्होंने इसके अंदर लगाए हुए ना मसाले बहुत कमाल है यार, सारा काम ही मसालों का। लो जी ये है इनका मटन कबाब, ये मटन कबाब हर जगह पे खाने को नहीं मिलता इसलिए मैं ट्राई कर रहा हूँ। मैं एक बात एक नतीजे पे पहुँचा हूँ, कुछ लोग इससे इख्तलाफ भी कर सकते हैं, तो मटन का कबाब से कोई लेना देना नहीं है, मटन का कढ़ाई से लेना देना है, मटन की चांपें ग्रिल हो सकती हैं बारबेक्यू अच्छा बन सकता है, लेकिन मटन का कबाब से कोई लेना देना नहीं है, कबाब सिर्फ बीफ का अच्छा या चिकन का क्योंकि चिकन अवेलेबल है और चिकन का कबाब भी अच्छा बन जाता है, लेकिन कबाब सिर्फ बीफ का होता है। चिकन कबाब ये यार चिकन कबाब भी ठीक है, मुझे इनकी सबसे अच्छी चीज़ लगी है ना ये मलाई बोटी और ये जो पाशा बोटी है ये इनकी बहुत कमाल है यार बहुत कमाल का बारबेक्यू माशाल्लाह, वन ऑफ द बेस्ट बारबेक्यू इन सियालकोट। स्पेशल थैंक्स टू साग भाई, ये दो दिन से चारों एपिसोड्स के अंदर मेरे साथ रहे, इन्होंने मेरा साथ दिया, और स्पेशल थैंक्स टू मोइज़। अगर आपने मोइज़ का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यार इसका चैनल पहले सब्सक्राइब कर लो, मेरा बाद कर लेना, खैर पहले इधर कर लो, मुंडा बहुत मेहनत कर रहा है। पिछले तीनों जो एपिसोड्स हैं सियालकोट सीरीज़ की उनका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अभी भी वीडियो यहीं पर ख़त्म करें इंशाल्लाह, आपसे मुलाकात करें अगली वीडियो के अंदर। दिस इज़ माई इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करना नहीं भूलना, आपसे बातचीत होती है, आप मैं लाइव जाता हूँ, गपशप होती है, जिस सिटी में मैंने जाना था उस सिटी की इन्फॉर्मेशन सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मैं इंस्टाग्राम पर शेयर करता हूँ। बहुत अरसे से मुझे ये रिक्वेस्ट आ रही है, बहुत अरसे से लोग मुझे कह रहे हैं, आप सब मुझे कह रहे हैं कि कराची आएँ, आई एम कमिंग टू कराची टू टेल मी इन द कॉमेंट्स के मैंने कराची में क्या एक्सप्लोर करना है, कराची में खाने वाली चीज़ कौन सी है। कराची के बाद इंशाल्लाह रमज़ान सीरीज आएगी, रमज़ान के अंदर हम लाहौर के आपको खाने दिखाएंगे, लाहौर की सैरियाँ, लाहौर की अफ्तारियाँ, कुछ लाहौर के गिरदो नवा की सैरी अफ्तारी के माहौल भी दिखाएंगे इंशाल्लाह आपको, और उसके बाद हम इंशाल्लाह मुल्तान इस्लामाबाद और बाकी शहरों की तरफ निकलेंगे इंशाल्लाह, और पूरा पाकिस्तान इंशाल्लाह कवर करेंगे, पूरी दुनिया में जाएंगे इंशाल्लाह। आपकी सपोर्ट चाहिए, आपका सब्सक्राइब करना चाहिए, और जिन लोगों ने हमें सब्सक्राइब कर लिया हुआ है उनसे गुजारिश है कि भाई आप मेरे दिल के बहुत करीब हैं, मैं आपको नहीं कह रहा बार बार सब्सक्राइब करने के लिए, मैं जिन्होंने नहीं सब्सक्राइब किया मैं उनको कह रहा हूँ कि भाई सब्सक्राइब कर लें। आपसे मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, मेरा हाथ थक गया, अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी अभी हम आ गए हैं मोहल्ला कश्मीरी मोहल्ला कच्ची गली मस्जिद वाली, हाँ गली कच्ची मस्जिद वाली। अच्छा जी अभी हम आ गए हैं मोहल्ला कश्मीरी मोहल्ला गली कच्ची मस्जिद वाली के अंदर, ये मेरे साइड में बैक पे जो है मस्जिद है, कच्ची गली वाली मस्जिद है, नहीं कच्ची मस्जिद वाली गली, ये ऊँची मस्जिद है, ये ऊँची मस्जिद है, की चल रहा थे वो लिखिया सामने कच्ची निकलिया। अच्छा जी अभी हम आ गए हैं मोहल्ला कच्ची क्यों वो कहीं हो रहा है, ठीक है ओके ओके। अच्छा जी अभी हम आ गए कश्मीरी मोहल्ले के अंदर, और यहाँ पे ये कौन सा रोड है